और रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। फिरोजाबाद जिले में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिकोहाबाद आएंगे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ में चुनावी मंथन भी करेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी के लिए घर घर जाकर वोट भी मांगेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो बीजेपी प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कैंपेन करने वाले हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में मुलाकात भी करेंगे और साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। नरेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आज जेपी नड्डा भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, सबसे पहले ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर जेपी नड्डा डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए पहुंचेंगे और क्या कुछ उनका आज शेड्यूल रहने वाला है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जेपी नड्डा 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से नारायण इंटर कॉलेज में आएंगे। उसके बाद सुखावाद एक विधानसभा फिरोजाबाद की पड़ती है, यहाँ पर वो आके सब पब्लिक से संवाद करेंगे। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, उसके बाद समय मिलने के बाद कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे और अपनी विजय जीत कराने के लिए यहाँ सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर उसके बाद मीडिया से भी संबोधित होंगे। तमाम मुद्दों की बात अगर कही जाए तो भाजपा सरकार के जो कोविड नियमों को पालन करते हुए देखा गया है तो पूरी व्यवस्था वहाँ रखी गई है। यहाँ तमाम ऐसे आला अधिकारी रहे हैं, वो सब प्रोटोकॉल को पालन कराने में जुटे हुए हैं। ठीक है नरेंद्र, ये बताइए पदाधिकारियों के साथ में भी आज मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा, तो क्या जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनके साथ में भी क्या कोई मुलाकात हो सकती है? क्या कोई वर्चुअली तौर पर भी कोई प्रचार प्रसार आज होगा? जी, वर्चुअली तौर पर अगर देखा जाए तो भाजपा ने यहाँ पर जो भाजपा की जो सीट थी वो सपा के प्रत्याशी थे पूर्व एमएलए ओम प्रकाश वर्मा, उनको काटकर उनकी यहाँ भाजपा वालों ने टिकट दी है। तो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़े से रुष्ट दिखाई दे रहे हैं, मगर जेपी नड्डा आकर यहाँ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आकर उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको और अपने विधायक को जिताने का काम करेंगे जेपी नड्डा। तमाम ऐसे सवाल उनके सामने खड़े किए जाते हैं तो प्रोटोकॉल का ध्यान देखते हुए। नरेंद्र, अगर फिरोजाबाद और साथी शिकोहाबाद की हम चुनावी समीकरण की बात करें तो क्या कुछ समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? वो कौन कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके बीच में टक्कर देखी जा रही है, या इनमें कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी सदर सीट विधानसभा सीट है, यहाँ 10 साल से बीजेपी का कब्जा है। उसके बाद सपा ने एक मुस्लिम समुदाय को टिकट दिया है और 2 दिन पूर्व बसपा ने अपना एक बबलू सिंह गोल्डी का टिकट काटकर एक मुस्लिम समुदाय के जो अजीम है, जो पुराने भूतपूर्व विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी को टिकट दिया है। तो यहाँ घमासान युद्ध अगर देखा जाए सदर सीट पर तो तमाम ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो घमासान की बात कहते हैं, तो मगर यहाँ कहीं ना कहीं कमल खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो भाजपा की पकड़ यहाँ पर भी काफी ज्यादा मजबूत देखी जा रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। Download it now.